वेलकम टू सॉलिड स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यूज सिलेबस। बच्चों आज हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास डेंसिटी एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं। मतलब यूनिट सेल का मोलार मास डेंसिटी और यूनिट सेल की एज की जो लेंथ है इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है इसकी हम स्टडी करने वाले हैं और एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। अब ये क्यूबिक यूनिट सेल की खास बात ये होती है कि सपोज़ इसकी जो लेंथ है वो हम ए कंसीडर करेंगे। इसकी लेंथ कितनी है? ए। लेंथ इज इक्वल टू ए। इसकी ब्रेथ कितनी है? ए। इसके ब्रेथ कितनी है? ए। और इसकी हाइट कितनी है? ए। इसकी हाइट भी ए है। अब आप बोलेंगे कि आपने यहाँ पर ए तीनों एक जैसे क्यों दिए? लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों एक जैसे क्यों दिए? इसका क्या कारण है? देखो बच्चों, हमने इस यूनिट सेल को क्या कहा है? क्यूबिक कहा है। तो क्यूबिक की खास बात क्या होती है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों भी एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए हमने तीनों के जो सिंबल्स हैं वो सेम लिए हैं, यानी कि ए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम। तो यहां पर वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, तो यहां पर इनके वैल्यू रखेंगे। ये वॉल्यूम किसका है बच्चों? यूनिट सेल का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पर वैल्यूज रखिए। एल की वैल्यू कितनी है? ए। ब्रेड की वैल्यू ए। हाइट की वैल्यू ए। तो अब ये तीनों ए, यानी यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और हमको मैथ्स का रूल मालूम है कि ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन इफ बेस इज सेम देन पावर्स गेट एडेड। यहाँ पर बेस सेम है तीनों का, ए ए ए, और हर एक का पावर कितना है? वन। तो फिर यहाँ पर ये ए का पावर वन, ये ए का पावर कुछ नहीं मतलब वन, इस ए का पावर कुछ नहीं मतलब वन, ये तीनों पावर्स ऐड होंगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आएगा? ए रेस टू द पावर थ्री। ओके, ए रेस टू द पावर थ्री, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। समझ में आ गया आपको? चलिए उसके बाद हम देखेंगे कि मास, हम मास देखेंगे किसका? एक पार्टिकल। अब जाहिर सी बात है कि यूनिट सेल है तो उसके अंदर पार्टिकल भी है, तो हम यहां पर कंसिडर करेंगे मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इज इक्वल टू एम, स्मॉल एम। इस यूनिट सेल में जो पार्टिकल है उस हर एक पार्टिकल का मास कितना है? एम है। लेकिन इस यूनिट सेल में सपोज कितने पार्टिकल है हमको पता नहीं है, तो हम इसको यहाँ कंसिडर करेंगे कि इस यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू स्मॉल एन। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्मॉल एन, ठीक है। तो फिर इस यूनिट सेल का जो मास रहेगा, मास ऑफ यूनिट सेल ये किसके इक्वल होगा? यूनिट सेल के अंदर क्या है? पार्टिकल्स है।
तो जितना मास पार्टिकल का रहेगा उतना ही मास यूनिट सेल का रहेगा, यस। लेकिन यूनिट सेल में मास, एक पार्टिकल का मास एम है, तो एन पार्टिकल्स का मास कितना होगा? एम इंटू एन। तो फिर यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो अब मास ऑफ वन पार्टिकल हमने कितना कंसिडर किया है? स्मॉल एम। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने कंसिडर किए हैं? एन। तो एम मल्टीप्लाइड बाय एन, ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। ओके, समझ में आ गया इतना? तो हम इसको इक्वेशन नंबर वन कंसिडर करेंगे। कौन सा? एम इंटू एन, मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू एम इंटू एन। यहाँ पर एम क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल। एन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। चलिए आगे देखते हैं, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। इक्वल्स टू, जो डेंसिटी का रेगुलर फॉर्मूला है वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। बताओ क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता? मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड। तो यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, ये है डेंसिटी। लेकिन मास किसका है? यूनिट सेल का है, मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। वॉल्यूम किसका है? यूनिट सेल का है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बच्चों, हम यूनिट सेल की स्टडी कर रहे हैं तो बार बार हम ये वर्ड यूज करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब इनके वैल्यूज हम यहाँ पर पुटअप करेंगे। देखो, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसका जो सिंबल होता है इस तरह से, इसको क्या कहते हैं? रो। क्या कहते हैं? रो। दिस इज द सिंबल ऑफ डेंसिटी। और कुछ बुक्स में, जैसे कि आपकी 11 की जो बुक है, डेंसिटी का सिंबल सिर्फ स्मॉल डी भी बताया गया है। तो दोनों भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल, अभी हमने जो इक्वेशन वन लिखा है वो इक्वेशन वन क्या था? मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या था? एम मल्टीप्लाइड बाय एन। तो वही हम यहाँ पर रखेंगे, एम मल्टीप्लाइड बाय एन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी हमने सबसे पहले कंसिडर किया था तो उसका आंसर क्या आया था? ए रेस टू द पावर 3, या आप इसको ए क्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल, जिसकी वैल्यू हमने रखी है एम इंटू एन, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जिसकी वैल्यू हमने रखी है ए क्यूब। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। ओके, अब हम मोलार मास कैलकुलेट करने वाले हैं। मोलार मास, मोलार मास किसका? मोलार मास, मोलार मास ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का मोलार मास। तो मोलार मास मतलब क्या? कि मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मोलार मास का डेफिनेशन क्या है? मास ऑफ वन मोल पार्टिकल्स। वन मोल पार्टिकल के मास को हम क्या बोलते हैं? मोलार मास। लेकिन वन मोल पार्टिकल मतलब क्या?
वन मोल पार्टिकल इज इक्वल टू होता है एवोगैड्रोज नंबर, और एवोगैड्रो नंबर का सिंबल आपको मालूम है एन ए, और उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यस 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 पार्टिकल्स। तो यहाँ पर चलिए हम मोलार मास का इक्वेशन लिखते हैं, मोलार मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, पर मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, यानी वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एन ए पार्टिकल्स होते हैं, एन ए, ए मतलब एवोगैड्रो, एन मतलब नंबर, और मास ऑफ वन पार्टिकल कितना है स्मॉल एम। तो ये एक इक्वेशन, और मोलार मास का सिंबल कैपिटल एम, ये हमेशा फिक्स रहेगा, मोलार मास का सिंबल कैपिटल एम है, और मास ऑफ वन पार्टिकल स्मॉल एम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल एन ए, व्हाट इज एन ए, एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर आपको मालूम है, 11th में पढ़ा था आपने कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी होती है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10^23 पार्टिकल्स। वो पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इंटरचेंज करेंगे कि अगर हमको एम मालूम करना है, मतलब क्या मालूम करना है, मास ऑफ वन पार्टिकल, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे इस इक्वेशन को। यस वेरी गुड, ये एम डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन ए, यानी मोलार मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू होगा मास ऑफ वन पार्टिकल। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 है। हमारे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 क्या था बच्चों, देखो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू एम इंटू एन, एम इंटू एन, क्या था ये मास ऑफ यूनिट सेल। अगर इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 था, इसमें हम ये इक्वेशन 3 की जो स्मॉल m की वैल्यू है ये अगर हम रखते हैं तो हमको एक नया इक्वेशन मिलेगा, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल m इन दिस इक्वेशन 1, तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल m डिवाइडेड बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय n, ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल। ओके, m अपॉन एन ए मल्टीप्लाइड बाय n। अब आप जरा इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर 2, वहां पर किसका एक्सप्रेशन था, यस डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इस सेकंड इक्वेशन में आप देखिए, तो यहां पर मास ऑफ यूनिट सेल की जो वैल्यू है, अभी हमने जो तैयार की है ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां पर रखिए, मास ऑफ यूनिट सेल, यस कैपिटल एम डिवाइडेड बाय एन ए मल्टीप्लाइड बाय एन, ओके डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो कि हमने पहले इक्वेशन 1 में देखा है, ए रेस टू द पावर 3, ये आएगा। ओके अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम
यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई वे में, एन एम अपॉन एन ए डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे, एन एम डिवाइडेड बाय एन ए, ए क्यूब जो डिनोमिनेटर में है इसको मल्टीप्लिकेशन में लेना है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ए क्यूब रहेगा क्या, वन अपॉन ए क्यूब रहेगा। यस, बिल्कुल सही सोचा आपने, वन अपॉन ए क्यूब रहेगा। तो फिर इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई वे में इस तरह से करेंगे, एन एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब इसको इधर ले लेंगे, एन एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब एन ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जिसका सिंबल है रो, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हमने डिराइव किया है। अब इस इक्वेशन में हर सिंबल की मीनिंग क्या है देखेंगे, ये जो रो है इसका मतलब है डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, यूनिट सेल की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल एम एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, एम मतलब मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ए क्यूब मतलब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और एन ए मतलब एवोगैड्रो नंबर यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, तो हम ये टोटल आपको इस इक्वेशन में कितने वैल्यूज नज़र आ रहे हैं, फाइव वैल्यूज हैं। ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी है मान लीजिए, ये तीसरी है, ये फोर्थ वैल्यू है और ये फिफ्थ वैल्यू है। तो कोई भी फोर वैल्यूज अगर आपको दिए गए हैं, कोई भी फोर वैल्यूज, तो आप फिफ्थ वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। तो उम्मीद कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी है, कोई डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।